टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तेज गर्मी में तेल की मांग कमजोर रहने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। लगभग समाप्त होते स्टॉक के कारण बिनौला तेल की कीमत में सुधार आया, जबकि विदेशी बाजारों की तेजी की वजह से सोयाबीन डिगम के भाव स्थिर बने रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 0.7% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 0.56% की। सूत्रों का कहना है कि स्टॉक लगभग समाप्ति की ओर होने से केवल बिनौला तेल की कीमत में सुधार देखने को मिला, जबकि गर्मियों की कमजोर मांग होने की वजह से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, सीपीओ, पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट आई। सूत्रों ने कहा है कि पिछले साल महंगा होने के कारण अप्रैल में सरसों की खपत आधी रह गई थी, लेकिन इस बार आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता होने से सरसों की भारी मांग है और विभिन्न राज्यों में आयातित तेलों की कमी को सरसों का रिफाइंड बनाकर पूरा किया जा रहा है। इस साल फरवरी महीने के बाद जिस रफ्तार से सरसों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे अगले 3-4 महीनों में सरसों की दिक्कत पैदा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को सरसों को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा, जिसका उत्तर भारत में अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है और सरसों का कोई विकल्प भी नहीं है। उपभोक्ताओं को सरसों तेल महंगे दामों पर बेचे जाने की शिकायतों के बारे में सूत्रों ने कहा कि सरसों तेल सारी लागत और मुनाफे के बाद 165 से 168 रुपए लीटर के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर किसी गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।